नमस्ते बच्चों, आई होप आप सब नेक्स्ट वीडियो के लिए फुल रेडी हैं। सबसे पहले मैं धन्यवाद करना चाहूंगी उन सभी बच्चों को, उन सभी सब्सक्राइबर्स को जो काफी वेट करते हैं वीडियोस का, काफी प्रोत्साहित करते हैं मुझे वीडियोस को देख के, अपने होमवर्क सेंड करके इंस्टा पे ऐड होकर। उन सारे बच्चों को मेरा शुक्रिया और उन बच्चों को भी धन्यवाद जो चाहे 12th क्लास में नहीं है लेकिन फिर भी वो अपने भाई बहनों को या अपने आस पड़ोस के लोगों को प्रोत्साहित करते हैं, इन वीडियोस को शेयर करते हैं। ठीक है, तो आप सबके सारे तरीके से सपोर्ट के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक बहुत इजी टॉपिक भी है और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है, कार्बन कोड व वर्ण कोड। ये क्या होता है इसको हम समझेंगे, कार्बन कोड या फिर हम लिख सकते कार्बन प्रतिरोध भी लिख सकते हैं इसको। ठीक है, यहां पर लिख सकते कार्बन प्रतिरोध व वर्ण कोड। तो सबसे पहले हम यहां समझने की कोशिश करते हैं कि ये होते क्या है। बेटा ये कोड दिए गए हैं, इसमें क्या है कि जो फ्रीक्वेंसी होती है उसको चेंज करने के काम आती है। ये टेलीविजन, एलईडी वगैरह इन सारी चीजों में, मॉनिटर्स वगैरह में लगाई जाती है। कभी भी आप एक चीज फील करना, आप अपनी एलईडी के आगे करना तो मत। अब मैं देखो करके तो देखना पड़ेगा आपको, ठीक है मैं आपको बता तो देती हूँ, लेकिन अपने घरों की टीवी मत खराब कर देना, पता चले आपके घर वाले मुझे कोसे फिर। ठीक है, मैं आपको बता तो देती हूँ, अगर कोई टीवी है आपके घर में, ठीक है, और एक मैग्नेट है, तो उस हायर मैग्नेट को, अगर मैग्नेट अच्छी तीव्रता का है, उस मैग्नेट को यदि आप टीवी के ऊपर नीचे से गुजारे हुए, तो आपको क्या है जो कलर कॉम्बिनेशन है उस पर डिफ्रेक्शन दिखेगा। ठीक है, उस कलर कोड को जैसे आपने मैग्नेट को इधर फेरा कलर अलग हो गया, लेकिन वापस सही भी आप कर सकते हो। अगर ज्यादा फैल जाए तो आप उसको चेंज नहीं कर सकते हो, इसलिए आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि इसको घर पे आप लोग ट्राई बिल्कुल भी नहीं करोगे। ठीक है, तो लिखिए इसके अंदर सबसे पहले कुछ चीजें लिखने की हैं तो वो हम लिख लेते हैं। घरेलू उपकरणों या प्रयोगशालाओं में, मैं आपको पहले ही बोल रही हूं कि बुक्स के नाम पे मैं अपने जो गवर्नमेंट में जो बुकें चलती हैं वही बुक्स यूज में लेती हूँ और वही लैंग्वेज लिखाने की कोशिश करती हूँ। इसका सीधा सीधा सा रीजन ये है कि जब कॉपी चेकर के पास आपकी कॉपियां जाती हैं तो उसके पास जो आंसर शीट होती है वो आपकी जो गवर्नमेंट बुक है ना उसी में से बनाई हुई होती है, तो यदि लैंग्वेज उसको बुक वाली ही मिलेगी तो वो इजीली आपको नंबर दे पाएगा। घरेलू उपकरणों या प्रयोगशालाओं में प्रयोग होने वाले विद्युत परिपथों के कुछ विशेष मानों में प्रतिरोधकों का उपयोग किया जाता है, प्रतिरोधकों का उपयोग किया जाता है। ये प्रतिरोधक दो प्रकार के होते हैं, पहला लिखिए तार आबद्ध प्रतिरोधक, तार आबद्ध प्रतिरोधक, और सेकंड लिखिए कार्बन प्रतिरोधक, कार्बन प्रतिरोधक। फिर पैराग्राफ चेंज करके लिखिए तार आबद्ध प्रतिरोधक किसी मिश्र धातु जैसे मैग्नीन, कॉन्स्टेंटन या नाइक्रोम आदि के बनाए जाते हैं। इन प्रतिरोधों का या इन पदार्थों का प्रतिरोधक ताप गुणांक कम होने से इनकी प्रतिरोधकता ताप से कम प्रभावित होती है। इसकी असफलता का प्रमुख कारण यह है कि इनसे अधिक मान के इनसे अधिक मान के
प्रतिरोधक नहीं बनाए जा सकते हैं क्योंकि उसके लिए लंबे तार की आवश्यकता होती है, लंबे तार की आवश्यकता होती है जो कि असुविधाजनक है, जो कि असुविधाजनक है। समझ में आ गई बात कि ताराबद्ध प्रतिरोधक क्यों यूज में नहीं लिए जा सकते। ठीक है, पैराग्राफ चेंज करके लिखिए। कार्बन प्रतिरोधक से अधिक मान के प्रतिरोध भी बनाए जा सकते हैं, अधिक मान के प्रतिरोध भी बनाए जा सकते हैं ये आकार में सूक्ष्म तथा सस्ते भी होते हैं, ये आकार में सूक्ष्म तथा सस्ते भी होते हैं। अतः कार्बन प्रतिरोधक सफल रहता है। ठीक है, फिर लिखिए कार्बन प्रतिरोधक की बनावट। कार्बन प्रतिरोधक की बनावट, अब बोलती जाऊंगी ना, आप लिखते जाओगे तभी थोड़ी थोड़ी चीजें समझ में आने लग जाएंगी आपको। ठीक है, तो लिखिए किसी कार्बन प्रतिरोधक का मान, किसी कार्बन प्रतिरोधक का मान निर्धारण के लिए बेलन पर चार समाक्ष रंगीन पट्टियां बनाई जाती हैं। प्रत्येक रंगीन पट्टिका का एक विशेष अर्थ होता है, प्रत्येक रंगीन पट्टिका का एक विशेष अर्थ होता है। लिखिए पैराग्राफ चेंज करके, बेलन के सिरे से पहली दो पट्टिकाएं ओम में प्रतिरोध के पहले दो सार्थक अंकों को व्यक्त करती है। अंतिम चौथी पट्टी सहनता प्रतिशत को व्यक्त करती है। देखिए ये इस टाइप से होता है, बेलनाकार पट्टी का होती है या बेलन होता है जिसमें चार पट्टियां लगी होती है, ये संयोजित लीड है जो इनको जोड़ के रखती है, संयोजक लीड। ठीक है, चार पट्टियां होती है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। पहली दो पट्टिकाएं क्या व्यक्त करती है? ओम में प्रतिरोध। तीसरी पट्टी क्या व्यक्त करती है? दशमलव गुणक। चौथी पट्टी का क्या व्यक्त करती है? सहनता प्रतिशत। ठीक है, ये व्यक्त करती है। तो अब आप पहले इसको बना लो, फिर मैं इसको मिटाऊंगी क्योंकि आपको कुछ और भी बताना है। ठीक है, देखो इसके साथ आपको चीजें याद करनी है, बी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी, एक सेकेंड, बी बी रॉय, ये जो मैं डेस्क कर रही हूँ कलर के नेम है, बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन
वेरी गुड वाइफ। एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ दस, टोटल 10 कलर हैं, ठीक है। अब हम पहले इनको लिख लो, पहले इनको फटाफट अब क्या करोगे, देखो कलर बी आर ओ वाई जी, बी वी जी और डब्ल्यू, ये कलर है। याद कैसे करोगे, बी वी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ, बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ, ये आपको याद करना पड़ेगा तभी जाके आप टेबल को बना पाओगे, ठीक है। तो पहले आप इसको उतार लो, ठीक है। अब हम टेबल बनाते हैं, टेबल के लिए थोड़ा सा ध्यान रखेंगे हम, देखो इसकी टेबल के लिए एक तो क्रम संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, बी से ब्लैक रंग, ब्लैक, बी से ब्राउन बी आर ओ डब्ल्यू एन, आर से रेड, ओ से ऑरेंज, चाहे तो हिंदी में बना देना काली भूरी लाल संतरा मतलब नारंगी येलो ग्रीन, ब्लू। अब ध्यान रखना यहां पर कि अगर तीन भी है तो पहले ब्लैक फिर ब्राउन फिर ब्लू आता है, दो जी है तो पहले ग्रीन और फिर ग्रे आता है, ठीक है। ये है वॉयलेट, ये है ग्रे व्हाइट, 10 कलर तो इसके ये हुए। फिर उसके बाद 11, 12 और 13 गोल्ड सिल्वर नो कलर, ये भी होते हैं कलर 3, ये उसके अंदर नहीं है, ठीक है। ये हो गए आपके 13 पॉइंट। अब उसके बाद हम देखेंगे प्रतिरोधक अंक, ये तो क्रम संख्या थी, प्रतिरोधक अंक कैसे देखोगे, ब्लैक ब्राउन ब्लू। तो सबसे पहले आप 0 से स्टार्ट करो, इन तीनों को तो देना ही है कुछ भी 10 तक, देखो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 नहीं 9 सिर्फ 9, व्हाइट तक ही देना है। अब ध्यान रहे कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, कलर ये वाला लिखना होता है कलर ये लिख के आ जाते हैं, ब्राउन पे 2 नंबर रखा है, क्रम संख्या में 2 लिख के आ गए जबकि आना 1 चाहिए, तो इन चीजों को भी आपको ध्यान रखना है। ये तीनों पे डैश लगेगा, ठीक है, इनमें कोई प्रतिरोधक नहीं होता है। फिर आता है दशमलव गुणक, दशमलव गुणक टेबल तो बहुत इजी है इसकी, 10 की पावर 0 10 की पावर 1 10 की पावर 2 10 की पावर 3, मतलब जितने भी ये जो दे रखे हैं ना बस इन्हीं को ही लिखना है आपको। लिखिए 10 की पावर 9 और उसका उल्टा भी है, यहां है 10 की पावर -1 यहां है 10 की पावर -2 और ये डैश। फिर है ये टॉलरेंस, ये कितना होता है, ये सबके लिए कुछ भी नहीं होता है, इसके लिए होता है ये +-5 +-10 और +-20%, यही होता है कि देख लीजिए 5, 10 और 20 बिल्कुल यही है। इस टेबल को बना लो और याद करना बहुत ही सिंपल है, एक क्वेश्चन हम इससे आपको समझाएंगे तो आपको ये चीज समझ में आ जाएगी। चलो अभी क्वेश्चन देखते हैं, ये आपको क्वेश्चन दे दिया,
ठीक है, ये 1, 2, 3 और 4, इस पे कलर नाम दे दिया लाल, सेकंड पट्टी है भूरी, तीसरी पे पीला और चौथी पे सुनहरा। इसे लिख के दिखाओ। तो पहले ध्यान रखना ये फर्स्ट है, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। तो हमें आंसर निकालना है। लाल पहली और दूसरी, लाल भूरा, लाल ये रहा लाल, लाल का क्या है प्रतिरोधक 2। भूरा, भूरा ढूंढो, ग्रे 8 नंबर, इधर वाला नंबर लेना है 8 नंबर, बस इन दोनों को ऐसे पास पास चुपका के लिख देना। फिर उसके बाद बीच में लगाना इनटू, ठीक है, सेकंड लाइन के बाद। थर्ड पे क्या है पीला, ढूंढो येलो, ये रहा। 10 की पावर कितनी है 4, 10 की पावर 4 ओम। ये फिक्स है कि सेकंड के बाद ही इनटू लगाना है, फिर थर्ड के बाद ही ओम और प्लस माइनस। सुनहरा, जो फोर्थ पट्टी होगी ना, वो इन तीनों में से ही कुछ ना कुछ होगी फोर्थ वाली, ठीक है। तो देखिए क्या है सुनहरा, सुनहरा का मतलब गोल्डन, प्लस माइनस 5%, ये हो गया जी इसका आंसर, ये हो गया इसका आंसर। बस ऐसे ही डायरेक्ट ही क्वेश्चन उठ के आ जाता है, सीधा ही सिंपल है, ज्यादा टफ नहीं है ये। ठीक है, अब यदि आपको ये दे दिया जाए, कलर बताओ इसके अंदर, पहली पट्टी पे कौन सा है, दूसरी पे कौन सा है, तीसरी पे कौन सा है, पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी, बताए कलर। 3, 3 पे पहला होता है ऑरेंज, ऑरेंज का होता है नारंगी कलर, पहली पट्टी पे होगा नारंगी कलर। 4, दूसरी पट्टी पे होगा पीला कलर। 8, 10 की पावर 8, फिर होगा तीसरी पट्टी पे धूसर, प्लस माइनस 20, नो कलर, कोई कलर नहीं, कैलकुल रंगहीन, ये लो, वेरी इजी। ये अपना टॉपिक हो गया कंप्लीट। एग्जाम्पल नंबर 5.4 पढ़ लो फटाफट से, इसमें समय वेस्ट ना करते हुए। एग्जाम्पल नंबर 5.4, ठीक है, अब हम इस लाइन से आगे बढ़ेंगे ही नहीं, जिससे क्या ये खराब नहीं होगा। ओके, एग्जाम्पल नंबर 5.4 क्या कह रहा है, एक धातु के तार की लंबाई एल मीटर और अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल ए वर्ग मीटर ज्ञात कीजिए। क्या ये, अच्छा वर्ग मीटर है, ज्ञात कीजिए कि तार की लंबाई को खींचकर दुगनी कर दिया जाए, एल डैश को क्या कर दे डबल, तो इसके प्रतिरोध में कितने प्रतिशत वृद्धि होगी। पूछ रहा प्रतिशत में, पूछ रहा है कि प्रतिशत में कितनी वृद्धि होगी, ठीक है। तो डेला, क्योंकि वृद्धि पूछिए ना कि नया जो प्रतिरोधक हो। तो R इज इक्वल टू क्या होता है, रो इंटू एल अपॉन ए। तो सबसे पहले इसको उतार लीजिए, ठीक है। तो देखो R इज इक्वल टू क्या होता है, रो इंटू एल अपॉन ए। अब हमें R डैश पहले पता करना पड़ेगा, ठीक है। R डैश के लिए इसने L डैश तो आपको दे रखा है 2L, एरिया नहीं दे रखा। तो एरिया के लिए आप क्या जानते हो, जो इसका वॉल्यूम होता है, एरिया इंटू लेंथ, एरिया इंटू लेंथ, ये सेम होना चाहिए। एरिया कितना है A, लेंथ कितनी हो गई है L की, L ही है एरिया, ए डैश लेंथ कितनी चेंज हो गई 2L, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एल से एल कट कर देंगे, ए डैश कितना हुआ ए अपॉन 2। इसका मतलब कि जब लेंथ डबल होगी तो एरिया कितना हो जाएगा ए बाई 2। तो आर डैश यहां से कितना हुआ, रो इंटू एल डैश अपॉन ए डैश, आर डैश इज इक्वल टू रो 2L अपॉन ए अपॉन 2।
तो आर डैश कितना हुआ, 4 रो इंटू एल अपॉन ए। देखो पहले आर इज इक्वल टू क्या था, रो इंटू एल अपॉन ए, और फिर क्या है, जस्ट डबल है। अब वृद्धि पूछी है इसने, ठीक है, क्या पूछा है इसने, वृद्धि। वृद्धि कैसे निकालेंगे, सबसे पहले तो यहां पे लिखो आर डैश इज इक्वल टू 4R, फिर यहां लिखोगे प्रतिरोध में वृद्धि क्या होगी, आर डैश माइनस आर अपॉन आर इंटू 100, या परसेंटेज का निशान लगा दो सीधे, कितना होगा 4R माइनस आर अपॉन आर परसेंट, 3R अपॉन आर परसेंट। अब परसेंटेज का निशान लगाए तो 100 का गुणा करोगे नहीं करोगे, मेरे हिसाब से तो करना चाहिए, करना चाहिए ना, तब हम इधर क्या करेंगे 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे। वैसे मैं चाह रही थी कि इसको परसेंटेज में ना बनाऊं मैं, अभी रुको, अभी वृद्धि निकालते हैं, ठीक है, 3 वृद्धि होगी 3, और प्रतिशत में वृद्धि, तो जो आंसर आया इसमें 100 का गुणा करके परसेंटेज का निशान 300%, तो वो तो दिख ही रहा है ना, वो एक था और वो हो गया 4, तो 3 का अंतर दिख रहा है, मतलब 300% बड़ा है, 4 गुनी भी बोल सकते हो इसको, और 300%। ओके, एग्जांपल नंबर 5.5 आपको करना है भाई, बता रखा है कार्बन प्रतिरोध का करना, आराम से करो, आंसर भी दे रखा है तो मुझे जरूरत भी नहीं है इसको बताने की। फिर एग्जांपल नंबर 5.6, ये मैंने आपको एक बार बोला था कि बस ऐसे होता है, तो देखिए क्वेश्चन क्या है, एक्स इज इक्वल टू 4 ओम दिया हुआ है, मतलब प्रतिरोध है, वाई इज इक्वल टू दिया हुआ है 48 × 10⁻⁸ ओम इंटू मीटर, मतलब प्रतिरोधकता दी हुई है। अब इनके चालकों की लंबाई आधा करने पर एक्स में वाई के संगत मानों पर क्या फर्क पड़ेगा, अरे भाई मैंने आपको बताया था कि जो प्रतिरोध है वो तो लंबाई के समानुपाती होता है, बट रो है ना डिपेंड नहीं करता किसी भी चीज पे, तो एक्स तो क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा अगर लंबाई आधा हो गई, और वाई में नो चेंज, कोई चेंज नहीं आएगा वाई के अंदर, नोट कर लो इसको, वाई के अंदर मतलब प्रतिरोधकता में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर मतलब एग्जांपल नंबर 5.7 देखिए, अब आप क्या है इसके अंदर, टंगस्टन तार जिसकी लंबाई का काट क्षेत्र, लंबाई दी हुई है 1.5 मीटर और जो क्षेत्रफल है वो दे रखा है 0.60 × 10⁻⁶ मीटर स्क्वायर, किस पॉइंट 90 वोल्ट का विभवांतर आरोपित किया जाता है, 0.90 वोल्ट। बेटा बुक खोल के भी रखना, क्योंकि अब कुछ चीजें ऐसी आएंगी, कुछ चैप्टर इतने लंबे हैं जो हर चीज है ना मैं बोर्ड पर नहीं बना सकती, कुछ डायग्राम ऐसे होते हैं, ठीक है, मैं रफ डायग्राम बना दूं आपको, डायग्राम नंबर बता दूं, आप बुक में से बना लेना, ओके। अब थोड़ा सा सपोर्ट आपको कर रहा है, क्योंकि अब मुझे थोड़ी हैवी क्लासेस भी देनी है, फास्ट कोर्स कंप्लीट कराना है, पूरा कवर करवाना है, ठीक है। 0.90 वोल्ट, मतलब कई कई चैप्टर ऐसे थे सेवंथ लेसन 20-20 दिन लग जाते हैं उस चैप्टर कंप्लीट होने में, अब 20 दिन तो ऑफलाइन लगते थे, तो ऑनलाइन में तो मतलब 1.5-2 महीने लग जाएंगे, ठीक है, तो इतना टाइम नहीं देंगे उसको। 0.90 वोल्ट हो गया। तार में प्रवाहित विद्युत धारा का मान ज्ञात कीजिए, आई, प्रतिरोधकता आपको दी हुई है 5.6 × 10⁻⁸ ओम इंटू मीटर, आई इज इक्वल टू क्या होता है, वी अपॉन आर, ओम के नियम से वी दिया हुआ है, आर नहीं है, तो आर कैसे निकालोगे, रो इंटू एल अपॉन ए, रो भी दिया हुआ है, एल भी दिया हुआ है, ए भी दिया हुआ है, तो ऐसे आर निकल जाएगा, और फिर बस इसमें पुट कर देना वी अपॉन आर, हो गया आपका आंसर आ गया, ठीक है, बिल्कुल भाई बिल्कुल ठीक है। अब एक बार जरा अपने क्वेश्चन आंसरों पे आ जाओ, एक साथ लोड पड़ जाएगा अदरवाइज, थोड़ा क्वेश्चन आंसरों पे आ जाओ कि कितना हमने कर लिया और कितना हमको करना है, ठीक है, एक सेकंड रुको, क्योंकि मुझे भी निशान तो लगाना ही पड़ेगा बुक्स में भी।
चलो ठीक है, निकालो। वैसे तो अभी हमने चैप्टर पढ़ा ही कितना सा है, लेकिन कोशिश करते हैं। ठीक है, तो ये है आपका बहुचयनात्मक क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन आपको करना है, किसी चालक की प्रतिरोधकता व चालकता का गुणनफल किस पर निर्भर करता है। प्रतिरोधकता और चालकता का गुणनफल बताओ किस पर निर्भर करता है। सीधी सी बात है, किसी पर भी निर्भर नहीं करता वो। ठीक है, फिर कौन सा हो सकता है आपसे, बस यही होगा अभी तो। फिर देख, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और क्वेश्चन नंबर नाइन्थ आपको करना है, वही वाला ही कार्बन प्रतिरोध वाला। ठीक है, टेंथ क्वेश्चन क्या है, जब बैटरी से जुड़ा तार धारा के कारण गर्म हो जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सी राशि नहीं बदलती है। बताइए, जब बैटरी से कोई तार जुड़ता है तब कौन सी राशि को वो बदलने नहीं देता। मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या नहीं बदलती है। ठीक है, ये एट्थ क्वेश्चन भी देखो, एट्थ में कराया हुआ है अपने। आपको कहें देख, बीडी की वैद्युत क्षेत्र ई पर निम्नलिखित में से कौन से निर्भरता में ओम के नियम का पालन होता है। वीडी प्रोपोर्शनल ई में होता है ओम के नियम का पालन तो। ठीक है, वीडी इज इक्वल टू म्यू ई तो था, देखो हो रहा है ना, एट्थ क्वेश्चन हो गया। बाकी क्वेश्चनों पे बाद में दिमाग लगाते हैं अभी। ठीक है, 10 में से आपके 4 तो हो गए, 6 बच रहे हैं। दिए गए अति लघु उत्तरात्मक क्वेश्चन, दिए गए वी आई ग्राफ से प्रतिरोधक के प्रतिरोध का मान ज्ञात कीजिए। कैसे करोगे, R इज इक्वल टू वी अपॉन आई होता है, तो किन्हीं भी दो प्रतिरोध का रेशियो ले लीजिए और किन्हीं भी दो आई का रेशियो ले लीजिए, जैसा आपको दिया हुआ है ये इस टाइप से। ठीक है, बहुत सारी वैल्यू दी हुई है ये ऐसे करके, तो अगर आप इन दोनों का रेशियो ले रहे हो, इन दोनों का माइनस कर रहे हो, तो इन दोनों का भी माइनस करके R इज इक्वल टू वी अपॉन, मतलब डेल वी अपॉन डेल आई से अपन काम कर लेंगे। इन दोनों को घटा देना, इन दोनों को घटा देना और अपॉन कर देना। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा। एक सेकंड रुक जाइए, मैं एक बुक ले लेती हूँ पहले, जब तक आप अगला क्वेश्चन पढ़ो। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है पढ़ो, पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा है धारा घनत्व का एसआई मात्रक। अरे वेरी सिंपल, कर ही सकते हो इसको, तो मैंने तो करवा रखा है इसको, है ना, तो इसमें कोई ज्यादा प्रॉब्लम की बात नहीं है। सेकंड हो जाएगा हमसे, फिर देखते हैं। फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड। धातु की चालकता व धारा घनत्व में संबंध लिखिए, करवाए हुआ ही आपको देखना। चालकता क्या थी, सिग्मा थी, धारा घनत्व क्या था, आई था, तो इसका जो आंसर बनेगा जे इक्वल टू सिग्मा ई। ठीक है, अनुभवी उदाहरण कंप्लीट। किसी धातु की प्रतिरोधकता की ताप पर निर्भरता, ताप पर निर्भरता क्या होती है, अभी कराएंगे इसको। ठीक है, अभी रुक जाओ। ठीक है, इसके अंदर भी अपन ने 4 क्वेश्चन कवर कर लिए हैं। ओके, अति लघु उत्तरात्मक 7 ही थे। अब लघु उत्तरात्मक प्रश्न में अपन ने कौन कौन से कर लिए, लघु उत्तरात्मक क्वेश्चनों को पढ़िए पहले। पहला क्वेश्चन है, एक चालक में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर उसमें कितना आवेश होता है। जीरो, लिख लो इसका आंसर, जीरो। ठीक है, फिर मैंने ये फिफ्थ क्वेश्चन आपको करवा दिया, अपव्यय वेग की परिभाषा लिखिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, एक पदार्थ की आकृति में विकृति उत्पन्न करने पर उसके प्रतिरोध प्रतिरोधकता पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो ये तो आपको पता ही है कि प्रतिरोध तो चेंज हो जाता है लेकिन प्रतिरोधकता नहीं बदलती है, बस इतना ही लिखना है। प्रतिरोध तो बदल जाता है लेकिन प्रतिरोधकता नहीं बदलती है। ठीक है, ये अपना कंप्लीट है। निबंधात्मक क्वेश्चन की बात करें तो अपव्यय वेग जे बराबर सिग्मा ई प्रूफ कर दिया अपन ने, ये क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट है। ओके, तो निबंधात्मक में 2 क्वेश्चन कंप्लीट, मतलब कुल मिला के 20% पार्ट तो अपना कंप्लीट है ही। अब यदि मैं न्यूमेरिकल्स की बात करूं तो न्यूमेरिकल्स में देखिए आपका पहला न्यूमेरिकल आंकिक प्रश्न में पहला, एक बेलनाकार धातु। ठीक है, इसमें लिमिटेड ही करवाएंगे अब तो, न्यूमेरिकल न्यूमेरिकल के जो चैप्टर है उनमें ही न्यूमेरिकल ज्यादा करवाएंगे। एक बेलनाकार धातु की छड़ की लंबाई 1 सेंटीमीटर व त्रिज्या 2 मिलीमीटर है। वैसे आपको एक रेशियो बताऊं, यदि हर चैप्टर के अंदर से 5 टाइप के क्वेश्चन भी बनते हैं तो 17 चैप्टर है, आप बताइए 17 गुना 5 करके देखिए
कितने टाइप के क्वेश्चन हो गए, क्या इतने टाइप के आते हैं? दो या तीन क्वेश्चन आते हैं, ज्यादा से ज्यादा चार क्वेश्चन आते हैं। तो इतना ज्यादा हाइपर मत हुआ कीजिए कि अरे ये छूट गया वो छूट गया। अगर हर चैप्टर में से भी वो न्यूमेरिकल देने लग गया तो भी 17x5 कर लीजिए। और जिसमें कई कई चैप्टर तो ऐसे जैसे आपके फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ कराए थे, सारे सारे न्यूमेरिकल कराए, मतलब 8-10 टाइप के भी न्यूमेरिकल हमने उसके अंदर करवाए हुए हैं। ठीक है, तो न्यूमेरिकल जितना टीचर बता रहा उतना ही कीजिए। अब बताइए, पहले क्वेश्चन में आपको लंबाई दी हुई है, त्रिज्या दी हुई है, विभवांतर दिया हुआ है, प्रतिरोधकता दी हुई है, धारा का मान ज्ञात करना है। सेम ऐसा ही क्वेश्चन है ये, I = V/R। बस वहां पर जो एरिया आपको दे रखा है ना, यहाँ पर त्रिज्या दे रखी है, तो एरिया कैसे निकालोगे? पाई आर स्क्वायर से। वेरी गुड, फर्स्ट क्वेश्चन तो कंप्लीट भी हो गया आपका। उसके बाद आप कौन सा क्वेश्चन कर सकते हो वो देखते हैं। उसके बाद देखिए आप क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, 15 मीटर लंबी, मतलब लंबाई दी हुई है, और ये 6×10^-7 m² मतलब कि क्षेत्रफल दिया हुआ है। नगण्य धारा प्रवाहित की है, ये इसका प्रतिरोध दिया हुआ है, प्रतिरोधकता ज्ञात करनी है। सेम R = ρ/L/A निकल जाएगा, तब तक ये कीजिए आप। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 7th भी हो जाएगा आपसे। एक तांबे का तार जिसका काट क्षेत्रफल 1 mm² है, ओके ए दिया हुआ है, 0.5 A की धारा प्रवाहित हो रही है, मतलब आई दिया हुआ है। यदि एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, मतलब स्मॉल एन दिया हुआ है, इलेक्ट्रॉनों का अपवाह वेग ज्ञात कीजिए। अब भाई क्या क्या दिया हुआ है इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 7। क्या क्या दिया हुआ है? एरिया है 1 mm². अभी चेंज वेंज करने का काम आपका ही है। धारा दी हुई है 0.5 A। मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या दी हुई है 8.5×10^20 cm³/cm³। हो I = क्या होता है? NEAVD। तो VD क्या हो जाएगा? I/NEA। E तो नहीं है, E की वैल्यू क्या होती है? 1.6×10^-19 कूलम। क्वेश्चन नंबर 7th भी आपका कंप्लीट। देन उसके बाद देखते हैं आप कौन सा कर सकते हो। ठीक है, अभी यही विराम लगाना पड़ेगा अपने को न्यूमेरिकल्स के अंदर। तो ठीक है, न्यूमेरिकल्स के अंदर हम यही विराम लगाते हैं और हम अगला टॉपिक अपना स्टार्ट करते हैं। अब तक के जितने टॉपिक थे उनसे रिलेटेड जो भी न्यूमेरिकल बन सकते थे हमने उनको कर लिया है, और एग्जांपल तो हम साथ के साथ कर ही रहे हैं। अब देखते हैं अगला टॉपिक क्या है। प्रतिरोध व प्रतिरोधकता पर ताप का प्रभाव। प्रतिरोध व प्रतिरोधकता पर ताप का प्रभाव, ये एक एक नंबर में पूछने वाला क्वेश्चन है और इसमें थ्योरी लिखनी है। प्रतिरोध व प्रतिरोधकता पर ताप का प्रभाव। ठीक है, तो लिखिए चालकों के लिए। पहला टॉपिक है चालकों के लिए, लिखवाएं। एक मिनट रुक जाओ। वे पदार्थ, थोड़ी थ्योरी अच्छी लिखवाएंगे इसमें, ठीक है। वे पदार्थ जिनमें विद्युत धारा का प्रवाह आसानी से हो जाता है, चालक या सुचालक कहलाते हैं। इन पदार्थों में प्रति एकांक आयतन मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक होती है। विद्युत धारा के प्रवाह में ये
मुक्त इलेक्ट्रॉन आवेश वाहक का कार्य करते हैं, आवेश वाहक का कार्य करते हैं। इनकी प्रतिरोधकता 10^-8 ओम इंटू मीटर से 10^-6 ओम इंटू मीटर तक होती है। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट लिखिए, ताप बढ़ाने पर सामान्यतः, ताप बढ़ाने पर सामान्यतः चालकों का प्रतिरोध बढ़ता है, वह चालकता घटती है तथा इसकी प्रतिरोधकता पर निर्भरता को, तथा इसकी प्रतिरोधकता पर निर्भरता को निम्न समीकरण से दर्शाया जा सकता है। रो टी इज इक्वल टू रो 1+α t। यहां अल्फा एक नियतांक है जिसे पदार्थ का प्रतिरोधकता ताप गुणांक कहते हैं। प्रतिरोधकता ताप गुणांक कहते हैं, ठीक है। अब आपके आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, एक सेकंड रुको, पहले मैं खुद देख लूं उस क्वेश्चन को। फिर मैं आपको बताऊंगी उसको, ठीक है। उसको अभी के अभी अपन कंप्लीट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 अतिलघु उत्तरात्मक का, अतिलघु उत्तरात्मक का क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, साथ के साथ देखते जाओ। किसी धातु की प्रतिरोधकता पर ताप पर निर्भरता, ओके। तो ये कंप्लीट हो गया अब आपका। इसी के अंदर लिखिए, धातुओं के लिए अल्फा का मान धनात्मक होता है, धातुओं के लिए अल्फा का मान धनात्मक होता है। ये जैसे प्रतिरोधकता के लिए ना, प्रतिरोध के लिए भी सेम फॉर्मूला है। प्रतिरोध के लिए क्या कर लो, जहां रो है ना वहां आर कर लो, आर टी बराबर आर 1+α t, बस यही रहेगा, ज्यादा डिफरेंस नहीं आता है। अगली हेडिंग विद्युत रोधी पदार्थों के लिए, विद्युत रोधी पदार्थों के लिए ये आपको ग्राफ ग्राफ की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। विद्युत रोधी पदार्थों के लिए लिखिए, इन पदार्थों की ताप बढ़ाने पर, इन पदार्थों की ताप बढ़ाने पर इनकी प्रतिरोधकता चरघातांकी रूप से कम होती जाती है तथा ताप घटाने पर यह बढ़ती है, तथा ताप घटाने पर यह बढ़ती है, तथा लगभग परम शून्य ताप पर प्रतिरोधकता बहुत अधिक हो जाती है, अर्थात इसमें चालकता का मान शून्य हो जाता है। समझिए, प्रतिरोधकता की प्रतिरोध बिल्कुल जीरो हो गया तो वो चले, प्रतिरोधकता बिल्कुल जीरो हो गई तो वो चलेगी क्यों, वस्तु चलेगी नहीं, ठीक है। तथा इसकी निर्भरता को निम्न समीकरण से दर्शाया जा सकता है। ये है देखो, चरघातांकी का मतलब होता है ये की पावर में जो चीज आती है वो चरघातांकी के रूप में आती है, नोट कर लो। यहां के भी
वोल्टजमान नियतांक है, कैपिटल टी केल्विन में, कैपिटल टी केल्विन में पदार्थ का ताप है, ईजी ईजी चालन बैंड व संयोजकता बैंड के मध्य, ये आपको 16वें चैप्टर में समझ में आएगा ये क्या है ईजी। चालन बैंड व संयोजकता बैंड के मध्य ऊर्जा अंतराल है, ठीक है। इसके उदाहरण लिखो, कांच, क्वार्ज, अभ्रक, कांच, क्वार्ज, अभ्रक। अगला है अर्धचालकों के लिए, अर्धचालकों के लिए लिखिए, ताप बढ़ने पर अर्धचालकों में सहसंयोजी बंध तेजी से टूटते हैं अतः इलेक्ट्रॉनों व क्वार्टरों की संख्या में इलेक्ट्रॉन व क्वार्टरों की संख्या में चर घातांकी रूप से वृद्धि होती है, जिसके फलस्वरूप ताप में वृद्धि करने पर इन पदार्थों की प्रतिरोधकता में कमी होती है, एवं चालकता में वृद्धि होती है, इन पदार्थों का प्रतिरोधकता ताप गुणांक अल्फा ऋणात्मक होता है, ठीक है। एग्जाम्पल लिख लीजिए इसके, सिलिकॉन, जर्मेनियम, ठीक है। अब देखो अति लघु उत्तरात्मक का, एक सेकेंड, अति लघु उत्तरात्मक का 6th क्वेश्चन, ऐसे दो पदार्थों के नाम लिखो जिनकी प्रतिरोधकता बढ़ने पर घटती है। सिलिकॉन, जर्मेनियम अर्धचालक होते हैं, ठीक है, ओके। तो हम करते हैं एग्जाम्पल नंबर 5.8। एग्जाम्पल नंबर 5.8 पढ़िए आप जब तक, और इसी के साथ बता दूं जैसा हम एग्जाम्पल नंबर 5.8 कर रहे हैं वैसा ही क्वेश्चन आपका आंकिक प्रश्न का 5th क्वेश्चन है, आंकिक क्वेश्चन का 5th और 8th, तो 5th और 8th आप लोग करोगे, ठीक है। और मैं यहां आपको बता रही हूँ 8th क्वेश्चन, एग्जाम्पल नंबर 8th बता रही हूँ, और 5th और 8th को मैं पढ़ के बता दूंगी आपको बुक के अंदर से, ध्यान रहेगी बस, ठीक है। तो हम सबसे पहले एग्जाम्पल नंबर 5.8 करते हैं। प्लेटिनियम प्रतिरोध तापमापी के प्लेटिनियम के तार का प्रतिरोध हिमांक पर, हिमांक मतलब 0 केल्विन, ठीक है। तो आर नॉट कितना दिया हुआ है, 5 ओम, ध्यान रहे हिमांक का मतलब 0, तथा भाप बिंदु पर, भाप का मतलब 100, 5.23 ओम है, ठीक है। जब तापमापी को किसी तप्त ऊष्मक में प्रवेश कराया जाता है तो प्लेटिनियम के तार का प्रतिरोध मतलब किसी अन्य टेम्परेचर पर 5.795 ओम हो जाता है। तो ये हमें टेम्परेचर जो है ना ये वाला ये फाइंड करना है,
कि ये क्या होगा, कैसे ज्ञात करोगे? देखो आर टी इज इक्वल टू आर नॉट वन प्लस एल्फा टी होता है, ठीक है, हम इसको डेल टी भी लिख रहे तो कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। अब मैं अगर इन दो ये दो वैल्यू मेरे को पता है तो मैं इनसे क्या करती हूँ, टी की जगह पहले 100 लिख के देखती हूँ, आर 100 इज इक्वल टू आर नॉट वन प्लस एल्फा, डेल टी कितना होगा 100 माइनस 0, यही होगा। तो देखो ये कितना है 5.23, ये कितना है 5, वन प्लस एल्फा ये भी हो गया 100, ठीक है। तो यहां से मैं क्या करूंगी, 5.23 अपॉन 5 इज इक्वल टू 1 प्लस 100 एल्फा, यहां से एल्फा भी तो पता लगना चाहिए, तो इसको सॉल्व किया 1.046 इज इक्वल टू 1 प्लस 100 एल्फा, 100 एल्फा क्या क्या बचा, 1.046 माइनस 1.046 और यहां बचा 100 एल्फा, एल्फा कितना हुआ 0.046 अपॉन 100, मतलब 4 6 10 की पावर माइनस 3 तो पहले था और ये और चला गया तो 10 की पावर माइनस 5 हो गया, ठीक है। एक बार देख लेते हैं इसका आंसर, यही है कि हमारे अकॉर्डिंग तो यही होना चाहिए। अब इसमें आंसर की बात नहीं करी, इसमें डायरेक्ट कर लिया है, ठीक है। तो मैं तो क्या करूंगी, इसको मैंने ये इस टाइप से इसको सॉल्व कर लिया, यदि आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, देखो ओके 2 और चले गए ऊपर, कोई प्रॉब्लम, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखो आर टी इज इक्वल टू आर नॉट वन प्लस एल्फा डेल टी, तो क्या है आर टी फाइंड करना है, आर टी, आर टी कितना दिया हुआ है 5.795, बुक वाला तरीका तो दे ही रखा है ना आपको, तो मैं इस वाले से समझा देती हूँ, आर नॉट 5 वन प्लस एल्फा कितना दे रखा है, ये रहा 0.0046 और डेल टी कितना होगा, डेल टी को डेल टी ही रख लो क्योंकि वो तो 0 ही है ना, बस अब इसको सॉल्व करो इसका आंसर आ जाएगा, डेल टी ही निकालना है आपको, डेल टी का मतलब टी माइनस 0, तो टी ही लिख लो 5.795 अपॉन 5 माइनस 1 इज इक्वल टू 0.0046 टी, यहां से पूरा सॉल्व करके टी निकाल लेना आप। नोट कर लो बेटा, और यदि आप नहीं चाहते कि आपको ये इस टाइप से करना पड़े तो इसका दूसरा मेथड क्या हो सकता है जो बुक में दिया हुआ है, ओके तो बुक में जो दे रखा है वो भी देख लो, आर टी इज इक्वल टू आर नॉट वन प्लस एल्फा टी, मैं क्या करती हूँ पहले इसको इसके साथ करती हूँ, आर 100 आर 0 वन प्लस एल्फा 100, तो आर 100 माइनस आर 0 कैसे हुआ, ये होगा ना, तो यहाँ हो गया आर 100 माइनस आर नॉट इज इक्वल टू 100 आर नॉट एल्फा, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। फिर मैं करती हूँ आर टी के साथ, आर टी इज इक्वल टू आर नॉट वन प्लस एल्फा टी, तो आर टी अपन को पता नहीं है, आर 0 प्लस आर नॉट एल्फा टी, आर टी माइनस आर नॉट आर नॉट एल्फा टी, इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब देखो इक्वेशन सेकेंड में इक्वेशन फर्स्ट को डिवाइड कर दो, आर नॉट एल्फा से ही आर नॉट एल्फा कट गया,
आर टी कितना है 5.795 माइनस 5.23 माइनस 5। टी तो पता ही नहीं है हमको, नीचे 100। बस बेटा अब इसको सॉल्व कर लो, बहुत ही सिंपल हो गया ये तो। ठीक है अब ये उतारो, और मैंने जो आंकिक प्रश्न के फिफ्थ और एट्थ क्वेश्चन आपको बताए थे कि आपको करने हैं, एक बार उस पर नजर मार ले, करोगे तो जब जब वो आपको आएंगे एक बार पढ़ तो ले उनको, क्योंकि बाद के लिए कुछ भी नहीं छोड़ना, अभी के अभी करने अपन के सारे क्वेश्चन। ठीक है, और ये जो डिग्री सेल्सियस में आएगा, अब देखो ये क्वेश्चन भी आपको करना है। पहले 5.9 एग्जाम्पल नंबर क्या दिया हुआ है, पहले इसी को देख लो। एक प्लेटिनियम प्रतिरोध तापमापी जिसकी सहायता से प्रतिरोध में परिवर्तन ज्ञात कर ताप का मान ज्ञात किया जाता है, का 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर प्रतिरोध 50 ओम है। ओके, पता चल गया आपको, एक टेम्परेचर और एक प्रतिरोध। जब तापमापी को एक पात्र में रखा जाता है, गलन बिंदु पर रख दिया है, तो इसके प्रतिरोध का मान बढ़कर 80 ओम हो जाता है। यह मानते हुए इस ताप पदार्थ में प्रतिरोध का मान रेखीय परिवर्तन होता है, चांदी के गलन बिंदु का मान ज्ञात करो, अल्फा दिया हुआ है। सीधी सी बात है, इसमें तो वो एक ही फॉर्मूला लगाना है, RT = R01 + α ∆T। ∆T कर देना, मैं बताती हूँ। देखो इसको इस टाइप के क्वेश्चनों में क्या करते हैं, ये ∆T होता है, और जो ये ∆T होता है ना, ये T - T0 होता है। ठीक है, तो आपको RT दिया हुआ है, ये दिया हुआ है RT, R0 दिया हुआ है 1 प्लस। अब आपको T नहीं पता और T0 दिया हुआ है, पहले से 20 दे रखा है ना, और ये T फाइंड करना है, कर सकते हो इसको तो। ओके, अब आ जाते हैं, और इनको केल्विन में भी चेंज कर लेना अगर केल्विन में कह रखा हो तो, वरना डिग्री सेंटीग्रेड में चल रहा है आंसर, डिग्री सेंटीग्रेड में चलने दो। ठीक है, और आपको सॉल्यूशन दे भी रखा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। एग्जाम्पल नंबर सॉरी बुक का क्वेश्चन नंबर 5, कमरे के ताप 27 डिग्री सेंटीग्रेड पर किसी तापन अवयव का प्रतिरोध। ओके, T1 दे रखा है, R1 दे रखा है, मतलब आप T0 और R0 मान लो। यदि तापन अवयव का प्रतिरोध ये हो तो ताप क्या होगा, प्रतिरोध ताप गुणांक भी दिया हुआ है, निकाल लो इसी फॉर्मूले से। ठीक है, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8, किस ताप पर तांबे के एक तार का प्रतिरोध उसके 0 डिग्री ताप पर प्रतिरोध का दुगना हो जाएगा। ऐसा करती हूँ, क्वेश्चन नंबर 8 मैं करा देती हूँ, ठीक है, क्योंकि ऐसा करोगे तो मुझे तो यही बोलोगे कि मैम आप कुछ मत करो, है ना। क्या है क्वेश्चन नंबर 8, इस टाइप के क्वेश्चन होगा, लास्ट क्वेश्चन है। किस ताप पर टेम्परेचर तांबे के एक तार का प्रतिरोध 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर ताप के प्रतिरोध का डबल हो जाएगा। तो भाई RT = R0 1 + α ∆T, ये डबल हो रहा है 1 + α, अल्फा दी हुई है इसके अंदर, लिख लो डिग्री सेल्सियस। ∆T मतलब टी माइनस कितने डिग्री पे, 0 पे, तो ऐसे रहने दो। R0 से R0 कट गया, 2 - 1 = अल्फा कितना है 4 × 10⁻³ × t, 1/4 × 10⁻³ = t। अब भाई इसको तो सॉल्व करो, क्या हुआ 1000/4 250 डिग्री सेल्सियस, सीधा सा आंसर है। अब ये मत कहना मैम तभी आपने कराया, ये सीधा सा है। ठीक है, ओके, तो ये भी आपका कंप्लीट हुआ। अब हमने काफी न्यूमेरिकल्स कर लिए हैं, इसके बाद भी यदि कोई न्यूमेरिकल अपन अब तक के टॉपिकों में कर सके
ठीक है, तो अब हम ये बाद में देखेंगे। अब हम एक अच्छा सा टॉपिक करते हैं, अति चालकता। हेडिंग डाल दीजिए अति चालकता, और ये पूछा भी जाता है अति चालकता के बारे में चीजों को, ठीक है। कुछ धातुएं एवं मिश्र धातुएं ऐसी होती हैं जिनका एक निश्चित ताप पर उनकी प्रतिरोधकता का मान असामान्य रूप से तेजी से घटकर शून्य हो जाता है। ऐसे पदार्थों को अतिचालक पदार्थ व इस गुण को अतिचालकता कहते हैं, जिस ताप पर यह घटना होती है उसे पदार्थ का क्रांतिक ताप कहते हैं, उसे पदार्थ का क्रांतिक ताप कहते हैं। ठीक है, मतलब बिल्कुल जीरो हो जाती है। अगली हेडिंग लिखिए मेसनर प्रभाव। अगली हेडिंग होगी ये मेसनर प्रभाव। बेटा अगली क्लास तो आपकी बहुत खतरनाक होने वाली है। अभी वाली क्लास जितनी आपको अच्छी लग रही है ना, ये अगली वाली बहुत बेकार लगेगी, और डेरिवेशन है उसके अंदर काफी सारे। मेसनर प्रभाव लिखिए, अति चालकता की अवस्था में पदार्थ के भीतर चुंबकीय क्षेत्र भी शून्य हो जाता है, जिसे मेसनर प्रभाव कहते हैं। ठीक है, तो ये था। अब हम अगली हेडिंग डालेंगे प्रतिरोधों का श्रेणी व समांतर क्रम संयोजन। तो समझ गए होंगे, प्रतिरोधों के दो संयोजन होते हैं, एक श्रेणी क्रम और एक समांतर क्रम। तो आज हम इसको कंप्लीट नहीं कराएंगे, अगली क्लास के लिए रखेंगे। लेकिन श्रेणी क्रम क्या होता है, देखो प्रतिरोध को इस टाइप से व्यक्त करते हैं, तो एक बार ध्यान रखना, ये R1 प्रतिरोध, ये R2 प्रतिरोध। और प्रतिरोधों की कोई भी पोलैरिटी होती नहीं है, प्लस माइनस, मतलब कि यदि पहले प्रतिरोध का दूसरा पार्ट दूसरे प्रतिरोध के पहले पार्ट से, जैसे संधारित्र में किया था, दूसरे प्रतिरोध का दूसरा पार्ट तीसरे प्रतिरोध के पहले पॉइंट से जुड़ा हो, तो ये समांतर क्रम संयोजन होता है। इसके अंदर जो धारा होती है वो समान होती है, और जो विभव होता है वो अलग होता है। ध्यान रहेगा, ये श्रेणी क्रम के लिए बताया मैंने, ठीक है। और यदि मैं समांतर क्रम की बात करूं तो इसके जो सेम पॉइंट है वो सेम जुड़े रहते हैं। इस कंडीशन में जो धारा का मान है वो हर किसी में अलग अलग होता है। धारा कैसी होती है, अलग अलग, और विभव जो होता है वो होता है समान। यदि इन चीजों को आप समझ जाते हो तो आपके लिए अगली वाली क्लास में थोड़ा सा 10% का रिलैक्सेशन आपको मिल जाएगा, हम डेरिवेशंस को इजीली कर पाएंगे। ओके बच्चों, तो हम क्लास को ओवर करते हैं। आप क्लास को बहुत प्यार देते हो, सम्मान देते हो, काफी अच्छे से पढ़ते हो, और लीलियंटली इनको क्लासेस को लेते हो, 100% वर्क करते हो।
तो टेस्ट सीरीज का भी बेसब्री से इंतजार करना। हम जहां तक कोशिश पूरी है कि मैं इस कोर्स को बहुत जल्दी वाइंड अप कर दूं, क्योंकि मैं क्लास को बहुत लॉन्ग वे में जितना लंबी बन सकती हूँ उतनी लंबी क्लासेस हम ले रहे हैं। 20-25 मिनट की क्लासों से कुछ नहीं फायदा होने वाला, वो अभी अच्छी लग रही है आपको, लेकिन जब आपको लगेगा ना कोर्स कंप्लीट करना है, जल्दी करना है, तो बहुत छोटी क्लासेस लगेंगी। ठीक है, तो क्लासेस अच्छी बन रही है, फुल डेस्क टाइप कराया जा रहा है, बाद के लिए कुछ भी नहीं छोड़ा जा रहा है। जब कोर्स कंप्लीट होगा तब आपके डेमो क्लासेस, और डेमो क्लासेस तो क्यों लेंगे हम, एक्स्ट्रा क्लासेस लेंगे आपकी, ठीक है, क्वेश्चन बैंक क्लासेस लेंगे हम आपकी, मॉड्यूल क्लासेस लेंगे। ठीक है, तो वेट कीजिएगा। थैंक यू।